यानी कि अगर आशुतोष ये कह रहे हैं कि भाई अजीत पवार के बारे में, और ये इस मंच पर सबसे बड़ा सवाल के एक तरीके से एस्टैब्लिश कर दूं मैं ये बात, और पुख्ता तरीके से कह दूं कि अजीत पवार को लेकर बहुत सारा ये एक नैरेटिव चल रहा है कि ज्यादा जीत कर आ गए तो अजीत पवार अपनी ताकत के साथ अलग हो जाएंगे, ये यहां पर एस्टैब्लिश होता है कि अजीत पवार के खिलाफ जो चार्जेस है स्टिल अकर्स, तो अजीत पवार ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन विनोद जी, क्या फिर अगर अजीत पवार इंटैक्ट हैं तो गैर मराठा वोट बैंक को जो लामबंद करने की कोशिश महायुति ने की, जिसमें दलित भी हैं, जिसमें ओबीसी भी हैं, यहां तक कि जिसमें मुस्लिम भी हैं, भले ही अजीत पवार के जरिए से ये चलता हुआ दिखेगा फिर, क्योंकि लोकसभा में मराठा दलित और मुस्लिम इसने महाविकास अघाड़ी को एज दिया, इसी को बायफर्केट कह लीजिए या और उसमें क्लासिफिकेशन करने की जो बीजेपी ने कोशिश की, चलती हुई दिखेगी? देखिए, चलती हुई दिखेगी कि नहीं दिखेगी ये तो कुछ समय बाद पता लगेगा, क्योंकि बीजेपी जैसा कि आशुतोष कह रहे हैं कि मोस्ट एडवांस पार्टी है, मैं तो उसे कहूंगा मोस्ट प्रैग्मेटिक पार्टी है, प्रैक्टिकल से भी आगे प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिज्म एक बड़ा शब्द जबरदस्त है, तो वो प्रैग्मेटिक पार्टी है और चुनाव जीतने के लिए कोई भी रास्ता, कोई भी तरीका, कोई भी इंतजाम करने में पीछे नहीं हटती आज की जो बीजेपी मौजूदा बीजेपी है। तो ठीक है, उन्होंने अपने तरीके से, अभी आपके ही चैनल में, आपके ही प्रोग्राम में मैं पिछले दिनों था, अरविंद त्रिपाठी जी ने बताया था विस्तार से कि किस तरह से उन्होंने मराठाओं को तो हिस्सों बांट दिया, कुनबी मराठा उनको रिजर्वेशन में बैकवर्ड में डाल करके, और दूसरे मराठाओं को, तो वो सब उसने किया है। उसको लेके भारतीय जनता महाराष्ट्र का जो सामाजिक समीकरण है काफी वो उलटफेर उसमें हो रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है, अजीत पवार मराठा है, एकनाथ शिंदे मराठा है, मुख्यमंत्री मराठा, उप मुख्यमंत्री मराठा, और उसके बावजूद बीजेपी को मराठा वोट न मिलने की चिंता है, ये एक बड़ी विडंबना है कि आपका मुख्यमंत्री भी मराठा, आपका उप मुख्यमंत्री भी मराठा, फिर भी आपको मराठा वोटों को लेकर शंका है। तो ये इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मराठाओं का जो नेतृत्व है वो शरद पवार के पास बरकरार है, तो एक तो ये इससे स्पष्ट होता है। दूसरी बात यह है कि नवाब मलिक वाला मुद्दा है ना, इसको एक रणनीति के तौर पर देखिए, जिसको आशुतोष ने इशारा किया था कि भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार के बीच में एक टैक्सिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप और हमारे बीच जब दूरी दिखेगी, तो जो आपका मुस्लिम वोटर जो एनसीपी का है, जो लोकसभा में आपके साथ नहीं था, वो अगर आएगा तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो अजीत पवार का फायदा होगा कि शायद उनकी कुछ सीटें निकले, दूसरा फायदा ये होगा कि महाविकास अघाड़ी के वोटों में सेंधमारी होगी। तो यही मैंने पूछा विनोद जी, क्या ये होता हुआ दिखेगा, क्या मराठा मुस्लिम दलित ये इंटैक्ट हुआ और महाराष्ट्र में 41 में से 17 पर रह गया एनडीए और 30 सीटें निकाल कर ले गई महाविकास अघाड़ी, ये बेस्ट एवर लोकसभा में अगर मैं कहूं परफॉर्मेंस, तो ये टूटेगा मराठा दलित और मुस्लिम? देखिए, अभी संजय जी और विस्तार से बताएंगे, लोकसभा चुनाव में सिर्फ मराठा दलित मुस्लिम ही नहीं आया अघाड़ी के साथ, ओबीसी का भी हिस्सा हुआ है, जो संविधान वाला मुद्दा है ना, उसने काफी हद तक महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दो राज्यों बहुत प्रभावित किया था। तो और अभी ओबीसी में भी एक नाराजगी चल रही है, छगन भुजबल लगातार उसको प्रकट करते रहते हैं, क्योंकि वो इस बात से नाराज है कि कुनबी मराठा को आपने ओबीसी में जो शामिल करके उनका शेयर कम किया है, समीर भुजबल ने जिस तरह इस्तीफा दिया है एनसीपी अजीत पवार से, ये सारे मुद्दे हैं मैदान में, अभी चुनाव के मैदान में। लेकिन गरिमा जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चुनाव जो है, पूरी भले 6 पार्टियां लड़ रही हूं, 3 इधर 3 उधर, चुनाव बाइपोलर है, ये चुनाव मल्टीपोलर नहीं है, ये चुनाव बाइपोलर है और पूरी तरह बाइपोलर है। और इसलिए मेरा अपना अनुमान ये कहता है कि जब बाइपोलर इलेक्शन होता है तो जो डिसाइसिव वोटर होता है वो पटता नहीं है, वो एक तरफ जाता है। अच्छा। देखिए, अजीत पवार से ज्यादा मुस्लिम हितों की बात करने वाले ओवैसी साहब हैं, ओवैसी साहब कितना फर्क डाल पाते हैं, सब जगह लड़ाते हैं। इसके अलावा अजीत पवार बीजेपी के साथ, महायुति के साथ मिलकर लड़ेंगे, जिनका नारा है कि बटोगे तो कटोगे, और तो जब बटोगे कटोगे तो मुसलमान क्यों बटेगा भाई, जब आप एक तरफ तो बटोगे कटोगे बात कर रहे हो वोट बैंक के लिए, तो मुसलमान भी कहेगा बटेंगे तो हम कटेंगे, तो हम भी ना बटे तो क्यों अजीत पवार के साथ जाएगा। और तीसरी बात यह है, आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण देखिए, वहां कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस था, ममता बनर्जी अलग लड़ रही थी, बीजेपी अलग लड़ रही थी, मुस्लिम वोट पूरा पोलराइज करके ममता बनर्जी के साथ गया, कांग्रेस ने तो उनके साथ भी अलायंस किया था, जो मौलाना साहब वहाँ कौन सी वो जो एक दरगाह है उसके है, वो भी अलायंस में थे उनके साथ, और सब कुछ था, लेकिन कहाँ मिला उनको वोट। तो बड़ी आसान भाषा में विनोद जी,
ये जो लामबंदी हुई थी लोकसभा में, आप ये कह रहे हैं कि ठीक वैसी ही लामबंदी विधानसभा में दिखेगी। अक्सर ये कहते हैं लोकसभा विधानसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं, क्या लोकसभा वाला रेप्लिकेट करता हुआ विधानसभा में भी दिखेगा? ये कास्ट इक्वेशन जितनी भी है, देखिए रेप्लिकेट करेगा कि नहीं करेगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ। हाँ। लेकिन ये जरूर है क्योंकि विधानसभा का चुनाव बहुत ही स्थानीय होता है, लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय चुनाव होता है, और लोकसभा में जो नैरेटिव और मुद्दे होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। उसमें एक संविधान का मुद्दा था जिसको लेकर के बहुत सारे जो, और महाराष्ट्र देखिए अंबेडकर का प्रदेश है, वहां संविधान के मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा जागरूकता है दलितों में और ओबीसी में, इसलिए वहां ये मुद्दा चल गया। विधानसभा में संविधान का मुद्दा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, विधानसभा में मुद्दा जो है वो महाराष्ट्र की अस्मिता का मुद्दा है एक तरफ है, अघाड़ी की तरफ से उद्धव ठाकरे के साथ जो अघाड़ी गद्दारी का मुद्दा बना रहा है वो मुद्दा है, एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे चुनाव होने जा रहा, ये पूरी तरह से स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा और ये राज्य के मुद्दों पर चुनाव होगा। और राज्य के मुद्दों में चूंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी उद्धव ठाकरे ने ली थी, कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर बीजेपी से अलग हुए थे और उनसे छीनी मुख्यमंत्री कुर्सी एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सहयोग से, तो उसी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये एक बड़ा मुद्दा होगा। शिवसेना असली किसके पास है, वो उद्धव ठाकरे के पास है या एकनाथ शिंदे के पास है, इसका फैसला होगा। और एनसीपी असली के नेता शरद पवार है या अजित पवार है, ये फैसला होगा।